सुप्रभात बच्चों, आज मैं स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विशेषण के बारे में बताऊंगी। विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो मैं आज वो बताने वाली हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से किसी वस्तु व्यक्ति का गुण प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिसे हमें नापा तौला जाता है उसे हम परिमाणवाचक, किसी भी वस्तु को नापा तौला जाता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक, संख्या जो संख्यावाचक विशेषण जिसे गिनती होता है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 गिनते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किसी भी सामान को तौलने को संकेतवाचक विशेषण, मतलब इशारों के विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्ति, खास व्यक्ति के बारे में जो बतलाया जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सर्वनाम विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद हैं। और अगले क्लास में मैं आपको इन 5 के बारे में परिभाषा में बताऊंगी। आप इसे कॉपी में लिखकर याद कर लें।